माननीय आदे आदे जी, कैसी राजनीति है ये? ये किस तरीके का शूट आउट चल रहा है, हैं जी? किस तरीके की राजनीति है? किस तरीके का यूपी को तुमने क्या बना दिया है? ये कोई अखाड़ा है? हमने भी काम किए, हमने तो कभी नहीं पकड़े गए ना। हमने इतना शो ऑफ किया कि हमने इसको मार दिया, उसको मार दिया, हमने मारा है, डंगे की चोट पे मारा है। पर ये क्या है? यूपी के अंदर सूटा भी मतलब सेफ नहीं है, बेचारे सूटा ही मारे जा रहे हैं जी। क्या है रहा है? किससे जाके बात करें, किससे बोलें, किससे क्या कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। माने बा पहले सिर्फ गाड़ियां पलटी जा रही थी, अब सूटा पलटाएं। अब क्यों पलटे सूटा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आज हमारे भाई अतीक अहमद, उनके बेटे को निपटाया गया है, असद को, और संगी उसका जो सूटर था गुलाम, वो भी चलता बना। देखिए ये बहुत गलत हुआ हमारे राज्य में, यूपी के अंदर पूरा का पूरा। आप उसको उल्टा प्रदेश को आप उत्तम प्रदेश बनाने की जो कोशिश कर रहे हो ना, बहुत गलत बात है। कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसमें यूपी का टच आए। जो हमने पूरा का पूरा साम्राज्य पहले बनाया था, उसको आप बिगाड़ करके धर रहे हो, क्यों? मैं पूछा हूँ, बाय? पहले हमें अपनी गाड़ियों में जाने में डर लग रहा था, अब हमारे को पैदल निकलने में डर लग रहा है। और हमें अपने साथ अपने बंदे, हमारे बंदे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कहें हम नहीं कहे तुम्हारे बॉडी गार्ड की नौकरी, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा बंदूक, हमें नहीं चाहिए। क्यों हैं? तो हम भी देखा जाए तो दूसरी किस्म के सूटर, कह को हम निपट गए आपके साथ। तो यूपी के अंदर ये कैसा चल रहा है? अरे ये राधे आधे का देश है, राधे आधे का यूपी है, यहाँ पे तुम सबको आधे आधे करते जा रहे हो, ऐसा क्यों? हमने कौन सी आपके नल की टोंटियाँ खींच ली हैं जो आप हमसे इस तरीके से बात कर रहे हैं? हमारे बंदों को मारे जा रहे हैं, सूटरों को मारे जा रहे हैं, बच्चों को मारे जा रहे हैं, क्यों? इतने इनोसेंट बच्चे, किसी ने 10 खून किए, किसी ने 20 किए, किसी ने चक्कू मारा, किसी ने कुछ किया, इन इनोसेंटों को आप मार रहे हो, क्यों? उधर बेचारे अतीक भैया बेहोश हो गए वहाँ पे, हमको जब ये खबर निकल के पड़ी, क्यों मारा पीटी हो रही है, क्यों ये सब चीज़ें हो रहा है बवाल? यूपी को आप उत्तम प्रदेश क्यों बनाना चाह रहे हो, क्यों? बाय योगी जी, आपको मैं बता रहा हूँ, भगवान माफ़ कर ना कहें, मैं तो माफ़ नहीं कर रहा, भगवान भले ही माफ़ कर दे, मैं नहीं कहूँगा। इतनी मुश्किलों से हमने, डैडी ने, हमने सबने मिल करके इसको ऐसा बनाया था कि यहाँ पे लोग डरते थे सड़कों पे कि कहीं से कहीं सपा के सपा करने ना आ जाएं। और आज हमारा पूरा साम्राज्य ख़त्म हो गया। आजकल अगर कोई रोड पे चलता देख लेता है किसी बंदे को जिसके हाथ के अंदर कुछ अवैध कुछ होता है, तो वहाँ पकड़ के चप्पल से मार देते हैं उसे, चप्पल से पेलम पाली चल रही है। जब तक वो भरेगा पीछे खींचेगा तब तक तो चप्पलें पड़ पड़ के उसका मुंह सुझा देते हैं। कि किस तरीके की राजनीति हो रही है जनाब? माननीय आप हमें बताएं। इतना विशाल हमारा देश है, इतना विशाल हमारा यूपी है, इतना विशाल, अभी क्या विशाल कर रहा हूँ मैं, हाँ सब चीज़ें हैं, पर क्यों? और आप आते हो बंदों को निपटवा देते हो। जहाँ मोटरसाइकिल पे चलना मुश्किल हो गया है साहब, मोटरसाइकिल पे सीधा सीधा जा रहा था बंदा, भें करके गोली आई, ढक करके नीचे गया और निपट गया, अगली गोली में सूटा निपटा दिया। ऐसे कौन हमारे साथ चलेगा? वो तो कहेंगे अब अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। और यूपी की तर्ज पे अगर सभी प्रदेश चलने लग गए तो आप देखिए हर जगह इनकाउंटर होने लग जाएंगे, इसी तरीके के गाड़ियाँ पलटने लग जाएंगी, ऐसा क्यों? अरे हमारी तरह टोंटियाँ उखाड़ो ना, आप तो लोग उखाड़ रहे हो, सूटा उखाड़ रहे हो, लोगों के बच्चे उखाड़ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरीके की राजनीति नहीं खेलनी चाहिए, ये एनकाउंटर बंद करिए आप, हमें डर लगा है यहाँ पर रहने पर। हम चल रहे हैं और इस बात का आप पूरी तरीके से, हमारे को बहुत खेद है हमारा अतीक भैया का बेटा जो निपटाया है आप लोगों ने, गलत बात है ये, सही बोल दिया ना, क्यों डिंपल ठीक है,
सही खुंदक दिखा दी हमने, हाँ ठीक है चलो आधे आधे काम मिला दे, हमारे बिगड़े काम बना दे, 2024 में गद्दी दिला दे, थैंक यू बाय बाय। Hee hee hee!